कुछ सपनों में से एक सपना था जापान रशिया के बॉर्डर पे जाने का, एंड फाइनली वी आर हियर। एंड वेलकम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जापान का माउंटेन हमें दिख रहा है। सायनारा दस मेदानिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। फिलहाल भाई हम मॉस्को के एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के नज़ारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं। तो इस तरफ जाके कहीं पर होगा। बाकी यार इमिग्रेशन पे एक घंटा डेढ़ घंटा बिठाए रखा मुझे। लोग कहते हैं इमिग्रेशन रशिया का आसान होता है, हमारे साथ तो हुआ नहीं। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि सीन क्या होता है मेरे साथ रशिया के इमिग्रेशन पे। फिलहाल तो यार बी की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनल बी की तरफ। और एयरपोर्ट देखो यार मॉस्को का ऐसे दिखता है, ये इधर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है बी की तरफ जाने का। ये सीन है यहाँ के फिलहाल। बस आप ये साइन पढ़ते पढ़ते चलते जाओगे तो पहुंच जाओगे। तो वो जनाब जो आए थे यार मुंबई से, वो तो चले गए यहीं पे मॉस्को में। एंड हमारा भाई सफ़र अभी चल रहा है। ज़रा दुकानें सब बंद पड़ी हैं यहाँ पे, लॉकडाउन चल रहा है, क्यों बंद पड़ी हैं पता नहीं, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। तो ये नज़ारे चल रहे हैं यार मॉस्को के। बाकी यार सेंट पीटर्सबर्ग में हम कहाँ रहेंगे पता नहीं, ना आता है ना पता है। वैसे एक हॉस्टल बुक करा था, बट देखते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, और क्या पता कोई और हॉस्टल मिल जाए। वाह दूर है यार, अभी भी नहीं आया वो रासाइन, अभी और आगे जाना है। यार ऐसे ज़्यादा अंतर नहीं है इन रूस की में और इंडिस की में, दोनों सेम ही है। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी रशियन फ्लाइट में, वो कहती है इंडिया एंड रशिया सेम। मैंने कहा बिल्कुल कोई शक ही नहीं है उसमें। यहाँ अब थोड़ी हलचल है, यहाँ पे हैं लोग। बाकी यार अच्छा लग रहा है आके, सच्ची बता रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। मतलब इतना टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी तो पहला दिन है, होपफुल यार इंशाल्लाह दूसरे दिन भी अच्छे जाएं। और इतना पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं होता है। अभी और आगे है भाई, ये लोग भी शायद मेरे को लगता है बी की तरफ ही जा रहे हैं, तो इससे जाएंगे। फिलहाल यहाँ की ये सीन है यार, ये डोमेस्टिक वाला एरिया है मेरे को लगता है शायद। तो यहाँ पे जो रशिया के अंदर फ्लाइट जाती हैं वो इस तरफ से जाएंगी, तो टर्मिनल बी सी डी सब है यहाँ पे। जो डी है वो इस तरफ है, मैंने सुना है कि इस तरफ ट्रेन से भी आया जाता है, लेकिन आज हम पैदल चल के आए हैं। तो भाई यहाँ पे एलिवेटर से नीचे की तरफ आ गए थे टर्मिनल बी के लिए, और यहाँ पे अब ट्रेन है और यहाँ से जाया जाएगा। मेरे को लगता है भाई ये ट्रेन की भी फ्री सर्विस ही है, ऐसे ही लेके जाते हैं। बाकी पता नहीं यार, ये बंदा पीछे से पता नहीं गाली दे के गया, क्या बोल के गया, मेरे को नहीं समझ आ रहा। और इतना अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही मैं ही भूरे रंग की खड़ी हूँ, बाकी सब यहाँ पे चिट्टे रंग के खड़े हैं, तो लोग घूर भी रहे हैं यहाँ पे। हर हंसी इस बात कह रही है, बट एनीवेज कोई नहीं, होता है, अलग एक्सपीरियंस है। अफ्रीका में क्या होता था, थोड़े डार्क स्किन ज़्यादा होते थे और मैं अकेली होती थी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो भाई अंदर तो आ गए, और भाई अंदर तो आ गए और पहुँचाएगी ये बी की तरफ। एंड बाहर से ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं आप लोगों को यार। मेरे को सच्ची बताऊँ अभी थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में,
क्योंकि सारे घूर ही जा रहे हैं, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस तरफ फिर थोड़ा रश है ज़्यादा। ये बोर्ड लगाएगा जी का भाई। अभी एक और लिफ्ट लेनी पड़ रही है ऊपर जाने के लिए, अभी तक तो ये सीन है। यहाँ पे यार एयरपोर्ट पे मास्क पे इतना ध्यान नहीं दे रखा किसी ने, कुछ लोगों ने लगाए हैं कुछ लोगों ने नहीं लगाए, शायद मैंडेटरी नहीं होंगे इसलिए कह सकते हैं। यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, और मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाया आप लोगों को बाद में। फिलहाल यार बोर्डिंग शुरू हो गया है मेरी फ्लाइट की, 7:45 तो ऑलरेडी हो गया यार, तो बड़ी लेट हो गया है। यहाँ पे चल रहे हैं हड़बड़ी में एंड बिल्कुल 8 बजने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। मेरे को तो गेट नंबर ही नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे तो, लेकिन कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। तो ये सीन है यहाँ के फिलहाल। एंड इस तरफ थोड़ी हलचल है, दुकानें वगैरह खुली हुई हैं तो आप लोगों के सामने। एंड इन जनाब ने भाई मेरी मदद करी बताने में, अब उम्मीद है सही जगह ले जाएं बस, वरना तो आज राम नाम सत्य अपना। रश है यार यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो वैसे इतना खाली नहीं है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, तो सारा सीन ये है। पूछते हो अभी यहाँ पे यही है गेट हमारा। तो भाई फाइनली पहुँच गए यार, सिर्फ 2 मिनट बचे थे लेकिन somehow पहुँच गए। सॉरी तो पहले तो गेट नहीं मिला मेरे को, और इमिग्रेशन पे 1 घंटा रोक के रखा इसलिए इतना लेट हो गया। वो अभी आई तो वो कह रही जल्दी जल्दी जाओ, अभी टाइम क्या हो रहा है, पूरे 8 बज गए हैं और 1-2 मिनट में चल देगी। तो वरना मेरा मैं मॉस्को में होती, मेरे बैग वहाँ पहुँचे होते, एक बैग मेरा पहले ही फ्लाइट में था। बड़ा शांत है यार, कोई शोर ही नहीं मचा रहा इस जहाज में, तो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। मेरा सफ़र शुरू हो रहा है भाई 6 तारीख को सुबह 6 बजे से, और अभी बज रहे हैं 8, 24 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए। और हाँ मैं सीन पता क्या हुआ था कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया था भाई फ्लाइट में, तो यार जनाब वो उसको क्या कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, ठीक है मन कच्चा हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड मैंने उल्टी भी की, तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे से खाना नहीं खा रहा है बिल्कुल भी। एंड फिर सोई भी बड़ी मुश्किल से मैं, बट एनीवेज जो भी था सब सही हो गया बाद में। और अभी तो यार फिलहाल सही है सारे सीन, बाकी मैं बाद में देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। भाई सफ़र शुरू हो गया हमारा सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ, तो यहाँ हम मॉस्को को अलविदा कहते हैं कुछ दिनों के लिए, जल्द वापस आएंगे। और ये भाई चल रहे हैं हम, जल्द ही टेक ऑफ भी हो जाएगा। भाई जहाज हमारा उड़ गया है, सफ़र हमारा शुरू हो रहा है, तो
आधे घंटे में पहुँचेंगे, पता नहीं कितने बजे, मैंने चेक नहीं करा फ्लाइट का टाइम। और अब ये धूप पड़ रही है थोड़ी थोड़ी आँखों में। यार इस टाइम रशिया का मौसम बहुत मस्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना है, घूमने में बड़ा मज़ा आएगा। और मैं तो कहती हूँ जो पहली बार आ रहे हैं वो ऐसे मौसम में आए कि चीज़ें उसको दिखें और समझ आए कि आसपास होता क्या है यहाँ पे। तो अब फिलहाल यार वो जनाब बैठे हुए उस सीट पे, उन्होंने कहा था हमें प्लीज़ विंडो वाली सीट दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को एक बार वीडियो बना दो, उसके बाद आप आ जाना। और दूसरी बात मुझे ये बोली थी, कुछ लोगों को बोलो ना बुलाओ, तो वो ना रिप्लाई नहीं दे रहे थे एयरपोर्ट पर, थोड़े चिड़चिड़े से थे। या तो देखो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, या भाई अपनी ब्राउन चमड़ी है, इसलिए मुझे नहीं पता, मैं एक मिनट में जज नहीं कर सकती। लेकिन तीन चार लोगों से मैंने पूछा कि भाई गेट नंबर कहाँ है, वो कुछ बता ही नहीं रहे थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो ये हुआ। लेकिन मैं उन तीन लोगों की वजह से पूरी कंट्री पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मदद भी करी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो ये होता रहता है, इग्नोर मारो इसको, अगर आप आए आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार पहुँच गया भाई हम सेंट पीटर्सबर्ग भी सारी मेहनत के बाद। और सीन ही है, और यार अब यहाँ से हॉस्टल कैसे पहुँचना है वो हमें ढूंढना है। तो यार अब पहले आपका मैंने स्वागत करा है मॉस्को में, अब आपका स्वागत करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। और यार सब ले लिया ना सामान मैंने, आई थिंक सो सब कुछ है बैग में, लेकिन अगर कुछ भूल गए तो आप भूल गए। ये सीन है सारे यहाँ के। बाकी यार मैं देखती हूँ वाईफाई यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता, और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। अभी बाहर जाना है और फिर वाईफाई ढूँढना है, और फिर आप लोगों से बात करके अपडेट देती हूँ क्या सीन रहता है। और हाँ एटीएम से पैसे भी निकालने हैं, ये भी करना है काम। ये भी आ गया, अपना बैग भी आ गया, लेकिन बैग की ऐसी तैसी हो रखी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि आ रहा है। यार ये वाला बैग मेरा हल्का ही था इस टाइम, ये वाला ज़्यादा भारी नहीं है, लैपटॉप वाला ज़्यादा भारी है इस बार। सीन ऐसे हैं कि मैं इधर बैठी हुई थी, मैंने इन जनाब से पूछा कि भाई मेरे को बताओ यहाँ से निकलना कैसे है बाहर। टैक्सी वाला कहता वो दिखा रहा था कि 1000 रुपये कुछ लेगा, और मेरे पास अभी रूबल है अभी नहीं, और मेरे को पता नहीं एयरपोर्ट पर दिखा नहीं यार वो ATM। तो वहाँ पे एक जनाब बैठे थे, मैंने उनसे पूछा ATM कहाँ पे है, कहते कि यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ तक जाना पड़ेगा या मेट्रो लेनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी उन्हें। तो मैंने कहा नहीं है तो मैं उसको पे कैसे करूँ, मेरे पास तो रूबल नहीं है। तो उन्होंने यार अपनी जेब से निकाल के 1000 रुपये दे दिए, मैंने कहा भाई 500 दे दो, जितने में टिकट हो जाए बहुत है। लेकिन उन जनाब ने भाई इतने 1000 दे दिए। तो ऐसी भाई हमारी रशिया में एंट्री हुई है, एयरपोर्ट के पास बाहर ही बस मिल रही है हमें, तो यहाँ से बस मिली है। ये बोल रहे कि भाई हाँ मेट्रो जाएंगे, मैंने पूछा मेट्रो, कहते हैं हाँ जाएगी मेट्रो। तो यहाँ से अगर आपको जाना है सिटी की तरफ तो बस मिल जाएगी, एंड फिर उसके बाद आप मेट्रो ले लेना। अरे थोड़ा मास्क उतारूँ यार, दिल्ली में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, अब देखते हैं। तो ये सीन है सारे फिलहाल। सामने देखो दोबारा से जाती हूँ, ये एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर निकलोगे तो ये बस मिल जाएगी, और ये बस मेट्रो तक लेके जाएगी ऐसा उसने बोला है, लेकिन बाकी यार अपने को पता नहीं। एंड यार इन जनाब का सच में शुक्रिया, ये 1000 रुपये इन्होंने पकड़ा दिया। मैंने कहा यार भाई 200-300 दे दो, जिसमें बस मेट्रो तक का गुजर हो जाए, फिर मैं ATM ढूंढ के पैसे निकलवा लूँगी। कहते नहीं 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 कोई बात नहीं। तो भाई ये हम चल दिए हैं मेट्रो की तरफ, और बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है, फिलहाल तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन बस चल दी है यहाँ से तो। और एयरपोर्ट से भाई हम प्रस्थान कर रहे हैं आगे की तरफ।